तो अजान का बर्थडे जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और अजान जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर। तरीके से सेलिब्रेट होगा। ओ चाचा, उस टाइप की एनर्जी नहीं थी मुझमें कि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, एक अच्छा व्लॉग बना पाऊँ। ये रहा हमारी अजीबी का केक। कसम से कह रहा हूँ गाइस, मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए निकलता हूँ घर से रोज़। मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखा आगे जो है उबैर की बाइक है, अभी उबैर की बाइक तोड़ेगा भाई। तो गाइस बहुत दिनों बाद जो है मुलाकात हो रही है आप सबसे। ऐसा कि आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, उस टाइप की एनर्जी नहीं थी मुझमें कि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, एक अच्छा व्लॉग बना पाऊँ, और एडिटिंग भी वैसी नहीं कर पाया मैं जैसी मैं करता था। तो आज का सीन ये है कि आज है अजान का बर्थडे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और बहुत सारे बंदे जो है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, अभी भी आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। 5 दिन सोया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था इस वजह से। सीन ये है कि अभी सीधा चलते हैं अंदर, करते हैं अजान की बर्थडे की प्रिपरेशन, एंड उसके बाद जो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अभी वजह है सुबह के 11, ठंड आप देख सकते हो, पूरा मौसम बहुत ज़्यादा खराब जो है, 100% बर्फ पड़ने के चांसेस है, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैं क्या बताऊँ। ये रही मेरी बीस्ट, और इसको स्टार्ट करते हैं। ये सिंगल क्लिक में स्टार्ट होती है कि नहीं? अगर स्टार्ट होती है तो मेरी बीस्ट जो है फिर अच्छी कंडीशन में, अगर नहीं गाइस तो फिर तबाही सीन हो जाएगी। ओ हो गाइस, तो गाइज अभी का सीन ये है कि मैं निकल चुका हूँ घर से, मैं सीधा जा रहा हूँ मार्केट की तरफ। तो मैं जो है कटिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज अजान का बर्थडे है, आज जो है 100% चांसेस है बर्फ पड़ने के। यहाँ का सारा टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला गया है, और आपको पता है कि आपका भाई आजकल बीमार चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, एंड फिर भी जो है मैं 70% ठीक हो चुका हूँ, अभी 30% मैं बीमार ही चल रहा हूँ। वजह से जो है ठंड में निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मेरी नोज जो है वो बंद हो जाती है, और खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। थ्रोट इन्फेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है आपके भाई को, कसम से कह रहा हूँ गाइस, मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए निकलता हूँ घर से रोज़। हर जगह जो है धुंधी धुंध छाई है, और मैं 40 के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों के अंदर से ठंड घुस रही है। मैंने जो है जैकेट वगैरह लगाया है, लेकिन इसके अंदर से ठंड घुस रही है। 40 जो है नॉर्मल स्पीड है अभी। सीन ये है गाइज कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि भाई हमेशा मार्केट में जो है स्लो राइड किया। सारे बंदे ऐसे होंगे जो मानते हैं, और बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो नहीं मानते। आपने देखा होगा कि परसों वाले ब्लॉग में मेरे साथ एक बंदा था, उसके पास यमहा बाइक थी, तो वो वाला बाइकर जो है उसको मैंने बोला उससे पहले भी, भाई तू स्लो राइड किया कर, ऐसे फास्ट मत चल, ठीक है, तेरे लिए इशू हो जाएगा। मार्केट में जब भी जाओगे स्लो राइड किया करो, तो उसने बोला चल भाई ठीक है। लेकिन हमने राइड की ना, वो मुझसे ज्यादा तेज चल रहा था मार्केट में, समझ रहे हो। मैं आधे रास्ते में ही घर चला गया, क्योंकि मेरी सेहत जो है खराब हो गई। वो चला गया दाऊद के साथ ऊपर, दाऊद तो ठहरा प्रो प्लेयर, वो दाऊद के साथ क्या बराबरी करता। वो एक लड़की से क्रैश हो गया, और खुद भी गिर गया, और उस लड़की को भी जख्मी कर दिया। हमेशा जब भी मार्केट में जाया करो ना, बिल्कुल स्लोली राइड किया करो, मतलब क्या फायदा मार्केट में किसको दिखाना भाई कि हम रश राइड करते हैं, ठीक है। बट आज जो अजा का बर्थडे है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब वो बस हैप्पी बर्थडे बोल रहा है भाई, समझ रहे हो। अभी सीधा चलते हैं ऊपर वाली साइड, और करते हैं अपनी कटिंग वटिंग फिनिश, एंड उसके बाद जो है सीधा चलते हैं घर, और मनाते हैं अजा का बर्थडे। ठंड जो है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब जोशमर्ग की ठंड आज जहाँ पे। अगर बर्फ़ पड़ी तो 2-3 दिन तो घर पर ही बैठना पड़ेगा जब तक सड़कें क्लियर होंगी। भाई बर्फ़ पड़े, ओले पड़े, कोई भी चीज़ पड़े ना भाई, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तब भी ब्लॉग्स कंटिन्यू है। इसके साथ हम पहुँच गए हैं पार्किंग वाली साइड, चलते हैं अंदर और करवाते हैं कटिंग। पहले का सीन है कटिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है बर्फबारी वो स्टार्ट हो चुकी है। मतलब मैंने पहले ही बोला था कि आज 100% चांसेस है बर्फ़ होने के, और वैसा हो भी रहा है भाई, समझ रहे हो। एंड मेरे ग्लव्स जो परसों जल गए थे ना, ये कट गए अंदर से, और पता इनको कैसे लगाना पड़ता है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, 1, 2, 3, 4 और पांचवा वाला खुद चला जाएगा अंदर, दिख रहे हो। देखो देखो गाइस, अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक जलवा। ये ना होता है डबल साइडेड, ठीक है, उनका ऊपर वाला जो होता है ना वो होता है वाटरप्रूफ, और नीचे वाला जो है ना वो गर्मी के लिए होता है भाई। इतने मोटे ग्लव्स में मुझे परसों ठंड लग रही थी, समझ आए। तो अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से घर, इससे पहले कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो। नीचे वाला जो मौसम है ना वो गर्म रहता है, ठीक है, उस वजह से जो है बर्फ़ आधे रास्ते में ही पिघल जाती है, बारिश की टाइप होती है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं गिरूं या कुछ और, तो उस वजह से जो है मैं स्लोली ही राइड करूँगा। मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
इतने मोटे ग्लव्स है ना, तब भी इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना हाथों। आज का ब्लॉग जो है बहुत खतरनाक होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज जो है अजान का बर्थडे है और बर्थडे जो है बहुत खतरनाक तरीके से सेलिब्रेट होगा। ओ चाचा भाई ये देखा, ओ मैन भाई अभी दोनों इंडिकेटर तुमने दे रखे हैं भाई, अब लेफ्ट जाना है राइट जाना है किसको पता है भाई, क्या दिमाग है तुम लोगों के पास। ये देखा भाई इनको जूते पड़ने चाहिए, देखा ऑटो वाला कहाँ चला रहा था, इसकी नजरें पता है फोन में घुसी हुई थी, आगे इसको पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी सीधा जा रहे हैं घर और करते हैं घर पे थोड़ा सा रेस्ट, केक वगैरह भी लाया होगा घर वालों ने। भाई हम तो गरीब है भाई, हम तो कुछ दे नहीं सकते हैं इकलौते मामू होने के बाद भी, मतलब समझ रहे हो ना। फोन और GoPro Hero 10 जो है मुझे इन एनीवे लाना ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मुझे नहीं पता उसको कितना टाइम और लगेगा, बट जितना भी लगेगा ना गाइस मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे लाना ही लाना है चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारे भाई बढ़िया मेरी जान, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए बस उतना काफ़ी है। तो ये हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ पे हमारे भाई जो है खेलते हैं। हमारा बर्थडे बॉय मिस्टर अजान, तो अजान का बर्थडे जो है हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अजान जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। अजान भी बीमार था और मैं भी बीमार था, इधर हंस गया, देखो 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 गाइस गाइस देखो देखो स्माइल देखो बंदे की। तो अजान भी बीमार था और मैं भी बीमार, गाइस अजान का आज बर्थडे है। अजान कुछ बोलना चाहोगे? कालू भूत कहाँ है कालू भूत? हेलो गाइस कैसे हो, ठीक हो, क्या कर रहे हो, चेक करो गाइस। तो ये रहा हमारी अजू बीवी का केक, तो ये इसके बाबा ने उसके लिए स्पेशल आया है। बर्थडे डे, क्योंकि कल अजान का बर्थडे जो है वो खत्म हो चुका था, उसके बाद व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार। कल सोच रहे थे कि बर्फबारी होगी, ये देख रहे हो आज पूरी की पूरी धूप निकली हुई है गाइस, समझ ही नहीं आ रहा है मौसम के साथ क्या हो रहा है। ये है कि अभी अंदर जाते हैं खाना वाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं अच्छी सी राइड पे, तो देखते हैं आगे क्या सीन देखने को मिलता है। अगर दाऊद वगैरह भी राइड पे आते हैं तो करते हैं एक राइड, जा रहा हूँ दाऊद के पीछे। वो क्या कर रहा है भाई, वह जो है फुल पावर भगा रहा है आजकल। ओ हो फुल पावर देखा गाइस, आगे जो है उबैद की बाइक है, अभी उबैद की बाइक तोड़ेगा भाई, अपनी बाइक की तो उसको कोई फिक्र ही नहीं है, अब उबैद की बाइक जो है वो डेड हो जाएगी। ये देखो गाइस पता है इस वाली रोड पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अब ये कंट्रोल ही नहीं होती इस पे बाइक, समझ रहे हो। अभी घर ही जाऊंगा और दाऊद भी घर ही जाएगा, तो सीन अभी का ये है कि ठंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है मुझे हाथों में, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी दाऊद भी जा रहा है घर, वैद जो है वो ऑलरेडी घर चला गया है, यहाँ से दाऊद जाएगा लेफ्ट और मैं जाऊँगा राइट। एक राइडर की पहचान उसकी ब्रेकिंग से होती है, अगर कोई बंदा राइड कर रहा है अपनी ब्रेकिंग पे आप पूरा कंसंट्रेट करो,
बाकी ये गैप सेस वगैरह तो कोई भी मार लेता है। हो सके बाइक को कंट्रोल करना सीखो और जितना हो सके मार्केट में प्लीज रश मत किया करो। सीन ये है कि अभी सीधा चलते हैं घर। आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नए एडवेंचरस व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी फाइन, खुदा हाफिज़।